संबंध बनाते समय किसे ज्यादा आनंद आता है? जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया अनूठा रहस्य, किसी भी रिश्ते में अंतरंगता जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार रति क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, वहीं एक सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज्यादा आनंद मिलता है। शायद आप इस सवाल का जवाब जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। शया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है, यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है। जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ न हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भंग सवाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्नि टूटा अनुष्ठान किया। भवन में केवल अग्नि देवता का आधार हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगवाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सूद खो बैठा। न उसे दिशाएं समझ आ रही थी और न ही अपने सैनिक नहीं दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई जो किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पी। जैसे ही राजा नदी के अंदर प्रवेश करके पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझिल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंग माना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद में राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अग्नि शत्रुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा। क्या कहूंगा मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक पुरुष था, यह मेरे पुत्र हैं। जब मैं एक स्त्री हूँ, तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देखते देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गया राजा भंग सवाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंग सवाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंग सुवाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई। तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को ऊर्जा और मेरा अनादर किया,
इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंग सवाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित करे, ऐसी ही बात है तो मेरे पुत्रों को जीवित कर दो, जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवनदान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। बोले, तुमसे खुश होकर भंग सवाना में तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंग सवाना बोला, देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम आपस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंग सवाना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हैं, क्योंकि आनंद को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। मानवीय कल्पना बहुत ही जटिल होती है और सेक्सुअल रिलेशन की तस्वीर तो और भी ढूंढ ली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।